Hello friends, welcome to English Shorthand. Today's topic is the aspirate part 2. Part 1 हमारा हो गया, जिसे मैंने आपको बताया था कि next part में हम H की tick और dot tick H करेंगे, ठीक है? So ये है हमारा second part, the aspirate. Aspirate का meaning मैं बता चुकी आपको. So आज हम करेंगे tick और dot H के, कि कहाँ हमें H के लिए tick use करनी है और कहाँ हमें H के लिए डॉट यूज करना है, ठीक है? सो इसी में हमारा फर्स्ट पॉइंट है टिक में, कि टिक के लिए हम H टिक के लिए फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन प्रीसीडिंग स्ट्रोक M L R, जब स्ट्रोक M L अपवर्ड R डाउनवर्ड H के बाद आए तो हम H की टिक यूज करेंगे, ठीक है? H के बाद M L R आने पे इनिशियल H इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल टिक, ओके? सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल. आवर फर्स्ट एग्जांपल इज होम. आप देख सकते हैं स्टार्टिंग हमारा इनिशियल H है और उसके बाद हमारा M स्ट्रोक है, H है, then L, H, then R, okay? So outline should be with a small tick. हाँ, ये हमारा H read होगा, ठीक है? इस H के बाद M आया है, तो H की हम tick लगाएंगे और बाद में stroke बना देंगे, हाँ. ऐसे ही healthy H के बाद L है, so H की टिक लगेगी. आउटलाइन शुड बी विद अटैचिंग टिक L एंड TH, हेल्थी, ओके, हेल्थी, ठीक है? नेक्स्ट इज हार्म विद अ स्मॉल टिक H R M, हार्म, ओके. अब आप कहेंगे कि मैंने डॉट आ वाली साउंड पहले क्यों लगा दी. ये फ्रेंड्स H के बाद है और R से पहले, R से पहले H के बाद, तो ये हम R स्ट्रोक के बिफोर में लगाएंगे. स्ट्रोक्स के बिफोर आफ्टर मैंने बताए थे कि ये किसी स्ट्रोक का बिफोर होता है और ये उसका आफ्टर, बाद में. वोवल साउंड बाद में आती है तो हम स्ट्रोक के बाद यूज करते हैं, वो पहले आती है तो पहले यूज करते हैं, ठीक है? और यहाँ हमारा एच है जिसका हम स्मॉल टिक यूज कर रहे हैं, उसके बाद वोवल साउंड आ रही है आ वाली, तो आर से पहले उसी प्लेस पे यूज करेंगे जिस प्लेस की साउंड है, ठीक है? एच के बाद फर्स्ट प्लेस साउंड है तो हम फर्स्ट प्लेस पे ही साउंड पुट करेंगे, ठीक है? इसी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मीडियली टिक एच, टिक एच इन फ्रेजिंग बट नॉट इन वर्ड्स. जो हमारे टिक एच है वो फ्रेजेज में हम यूज़ करेंगे बट वर्ड्स में हम मेडियली टिक यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? वर्ड्स में हम टिक यूज़ नहीं करेंगे और फ्रेजेज में हम एच की टिक यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी फ्रेजेज है 3 1 2 3, ये हमारी फ्रेज है बट नॉट इन वर्ड्स. ये हमारे दो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, ओके? फ्रेजेज में हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है फॉर होम. आउटलाइन शुड बी फॉर हमारा बॉर्डर लाइन एफ और एच की टेक देन एम, ओके? सो मीडियली टेक एच हम फ्रेजिंग में यूज करेंगे. ये मैं अभी फ्रेजिंग करवा रही हूँ. फ्रेजिंग में हम मीडियली टिक यूज करेंगे. ये हमारी टिक एच की है, ओके? दिस इज एच टिक, ओके? ऑफ हर आउटलाइन शुड बी इट शुड बी अबाउट द लाइन ऑफ, ये हमारी एच की टिक और ये हो गया आर ऑफ हर, ओके? टू हर, टू हमारा टच द लाइन होता है, इसके बाद हम मिडल में एच यूज़ कर रहे हैं,
तो हमारा एच होगा और ये होगा आर डाउनवर्ड. ये है टू हर, मीन्स हर की आउटलाइन हमारी ये है. ओके ये हमारा एच की टिक आर. सो मीडियली टिक एच इन फ्रेजिंग वी कैन यूज बट नॉट इन वर्ड्स. जैसे ये हमारे वर्ड्स हैं, इनमें जब हमारा मिडल में अगर साउंड आती है एच की, तो हम एच टिक ना यूज़ करके स्ट्रोक यूज़ करेंगे. ओके फॉर एग्जांपल इनह्यूमन आउटलाइन शुड बी इन यू एम और एन. ये हमारा एन है इन ह्यूमन यू. ओके इन ह्यूमन. नेक्स्ट इज ओवरऑल आउटलाइन शुड बी ओवर होल. ओके सो यहाँ पे हम एच की टिक ना यूज करके एच का स्ट्रोक यूज करेंगे. ये हमारा एच है एच अपवर्ड, यहाँ हमारा एच है डाउनवर्ड. बट यहाँ पर हम एच की टिक यूज़ नहीं करेंगे मिडल में. जब किसी वर्ड्स में मिडल में अगर एच की साउंड आती है तो वहाँ हम एच की टिक यूज़ नहीं करेंगे. बट इन फ्रेजिंग वी यूज़ एच टिक. ओके सो चलते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट हमारा डॉट एच है. एच टिक, टिक की एच हमारी हो गई. डॉट एच में हमारे रूल्स हैं, वो है वेयर ए स्ट्रोक फॉर्म ऑफ एच इज़ नॉट कन्वीनियंट इन द मिडल ऑफ ए वर्ड. जहाँ हमारा एच के लिए एच स्ट्रोक यूज़ नहीं हो सकता वहाँ मिडल में, जहाँ हमारा एच स्ट्रोक मिडल में यूज़ नहीं हो सकता, वहाँ हम एच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइट डॉट बिफोर द वोवल. वहाँ हम वोवल से पहले एच का डॉट यूज़ करेंगे, लाइट डॉट. ओके शुड नॉट बी डार्क, इट शुड बी लाइट डॉट फॉर एच. ओके फॉर एग्जाम्पल एप्रीहेंसिव आउटलाइन शुड बी अबोव द लाइन एप्री एम सेव. ओके अब आप देखेंगे ये हमारा एच है और ई ई वोवल है और एच है, मीन्स जो पेन वाली वोवल है हमारा उसके साथ हमारा एच का डॉट आएगा. अब वो कहाँ पे आएगा वो एक बार देख लेते हैं. एन से पहले हमारी वोवल साउंड है सो एन के बिफोर में ही लगाएंगे. ये हो गया हमारा डॉट. सो ये हो गई हमारी पेन वाली डॉट. और इससे जो पहले हमारा एच है उसके लिए भी हम लाइट डॉट करेंगे यूज़ बिफोर द वोवल. सो ये हमारा वोवल है, इसके बिफोर में हम यूज़ करेंगे यहाँ ऐसे. ओके सो ये हो गई हमारी एच की डॉट, ये हो गई हमारी पेन वाली डॉट. ठीक है नेक्स्ट एग्जांपल इज परहैप्स आउटलाइन शुड बी पर पी और एस हैप्स. ए वाला वोवल है, फर्स्ट प्लेस है, पी के बिफोर है तो पी से पहले लगेगा फर्स्ट प्लेस पे. फर्स्ट प्लेस और एच की डॉट हमारी यहाँ लग जाएगी. ओके नेक्स्ट एग्जांपल इज अप हिल पी एंड देन एल. अप और हिल, आई है एल के बिफोर है तो पहले हम वोवल पुट करेंगे उसके बाद हम एच वोवल के बिफोर में पुट करेंगे. ठीक है सो ये हमारा अगर दो वो डॉट है तो आपको देखना है कि इस डॉट से पहले एच की साउंड है और उसके बाद ये थर्ड प्लेस वोवल हो चाहे सेकंड प्लेस हो चाहे फर्स्ट प्लेस वोवल हो. ओके सो ये हो गया हमारा डॉट एच. नेक्स्ट एग्जांपल इज डाउन हिल डी एन और ये एल, आउ वाली साउंड है और एच आई आई वोवल पुट करना है
एल के बिफोर है यहाँ भी, सो ये हमने आई वोवल पुट कर दिया एल के बिफोर, और इससे पहले हम एच की लाइट डॉट यूज करेंगे. ओके सो फ्रेंड्स, वेयर ए स्ट्रोक फॉर्म ऑफ एच इज नॉट कन्वीनियंट इन मिडल ऑफ ए वर्ड, किसी वर्ड के मिडल में अगर कन्वीनियंट नहीं है एच, एच फॉर्म यूज करना स्ट्रोक फॉर्म, सो वहाँ हम एच के लिए लाइट डॉट यूज करेंगे बिफोर द वोवल. ठीक है सो फ्रेंड्स, हमारा द एस्पिरेट वर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर. ओके हमने सारे रूल्स कर लिए हैं, चाहे वो अपवर्ड एच हो, डाउनवर्ड एच हो, एच की टिक हो, एच का डॉट हो, या फिर एस के साथ एच आता है वो, तो ये हमारे यहाँ कंप्लीट होता है. फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए. कीप प्रैक्टिसिंग, विदाउट प्रैक्टिस यू कांट अचीव योर सक्सेस. प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है. ओके सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली एंड पेशेंसली. थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय, टेक केयर.